Vayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार आप सभी का स्वागत है पाठ्यक्रम शीर्षक माल विक्रय अधिनियम के तहत आज के सत्र में और आज के सत्र में विषय है असंधत्त विक्रेताओं के अधिकार असंधत्त विक्रेताओं के अधिकार शीर्षक के अंतर्गत हम लोग असंधत्त विक्रेताओं के क्या अधिकार हैं इसे पूर्ववर्ती व्याख्यान से ही हम लोग देख रहे हैं अगर पूर्ववर्ती व्याख्यान को हम देखें तो हमने असंदत विक्रेताओं के अधिकार की चर्चा करते हुए यह स्पष्ट किया था कि असंदत विक्रेता कौन होते हैं और उन्हें कौन कौन से अधिकार उपलब्ध हैं इन अधिकारों की चर्चा और शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम लोगों ने असंदत विक्रेता की परिभाषा को देखा और फिर असंदत विक्रेताओं के कौन कौन से अधिकार हैं उसकी चर्चा की वृहद रूप से हमने पूर्ववर्ती में सिर्फ धारणा अधिकार की चर्चा की लेकिन आज के व्याख्यान में धारणा अधिकार के साथ संबंध को बताते हुए अन्य सभी अधिकार जो एक असंदत विक्रेता को होंगे उस पर चर्चा करेंगे पूर्ववर्ती व्याख्यान को अगर हम देखें तो हम लोगों ने असंदत विक्रेता की परिभाषा का अध्ययन किया एक विक्रेता कब किस समय असंधत्त विक्रेता की श्रेणी में रखा जाता है क्या असंधत्त विक्रेता कोई विक्रेता का विशेष प्रकार है या कोई विक्रेता असंदत विक्रेता हो सकता है यदि कोई विक्रेता असंदत विक्रेता होता है तो किस अवस्था में उसे हम असंदत विक्रेता की संज्ञा देंगे और उस असंदत विक्रेता के क्या अधिकार एवं कर्तव्य हैं पुराने जो पूर्ववर्ती व्याख्यान थे उसमें हमने उन सभी अधिकारों की चर्चा की खासकर अधिकार और उससे संबंधित प्रावधानों की धारणाधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसमें एक असंदत विक्रेता को रास्ते में माल को रोके रखने का अधिकार होता है लेकिन किसी भी विक्रेता को क्यों किसी के माल को रोकने का अधिकार होता है या रास्ते में माल को रोके रखने का अधिकार मिलना चाहिए या क्यों उसे पुनर्विक्रय का अधिकार मिलना चाहिए इसके विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए हमें इस माल विक्रय अधिनियम के मर्म को समझना होगा माल विक्रय अधिनियम 1930 को अगर हम विस्तारपूर्वक देखें तो इसका जो सार तत्व हमें निकल के आता है वह है माल में की संपत्ति का अंतरण करना माल में की संपत्ति का अंतरण होने का तात्पर्य है कि कब किसी वस्तु में स्वामित्व का अंतरण हो जाता है क्योंकि वस्तु में स्वामित्व के अंतरण होने, अंतर होने, कि अंतर होने की जो प्रक्रिया है उसमें दो पक्षकारों में यह अंतरण सामान्य रूप से विक्रेता से क्रेता की ओर जाता है ऐसे में अगर माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत धारा चार के उपबंधों को देखें जो विक्रय की परिभाषा को स्पष्ट करता है उसमें यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जब कीमत के बदले माल में की संपत्ति का अंतरण होगा तो हम उसे विक्रय कहेंगे और धारा दो की उपधारा तेरह में विक्रेता की परिभाषा बताते हुए कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो माल में की संपत्ति का अंतरण करने के लिए अर्थात क्रेता को विक्रय करने के लिए करार करता है या करार करने पर सहमत हो जाता है हम उसे विक्रेता कहते हैं यानी एक बात जो इस व्याख्यान में इस प्रावधान से स्पष्ट निकल कर आती है वह यह कि जब भी माल में की संपत्ति का अंतरण किया जाना है यानी स्वामित्व का अंतरण किया जाना है तब क्रेता को उसकी कीमत का भुगतान करना ही चाहिए और कीमत का भुगतान करना यह उसका विधिक कर्तव्य भी है और यह समव्यवहार की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है एक ऐसी अवस्था हो सकती है कि जब कीमत का भुगतान ना किया गया हो क्योंकि धारा चार के उपबंधों में ऐसा कहीं नहीं है कि कीमत का भुगतान त्वरित कर दिया जाए माल में की संपत्ति का अंतरण होना ही इस बात का दृष्टिगोचर है कि क्या करार विक्रय में बदल चुका है या अभी करार ही है अर्थात विक्रय में परिवर्तित होने के लिए या किसी विक्रय का समव्यवहार प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है कि कीमत का अंतरण कर दिया जाए तुरंत कर दिया जाए भागता कर दिया जाए या रोक दिया जाए यह महत्वपूर्ण सिर्फ माल में की संपत्ति का हस्तांतरण होता है ऐसे में यदि विक्रेता ने माल में की संपत्ति का अंतरण कर दिया है और उसके बदले मिलने वाली कीमत उसे नहीं मिली है तो विक्रेता के क्या अधिकार होंगे विक्रेता के इन्हीं अधिकारों को प्रोद्युत करते हुए इस अधिनियम में ऐसे विक्रेताओं को असंदत्त विक्रेता की श्रेणी में रखा गया है पूर्ववर्ती व्याख्यान में हमने मूल रूप से धारा ४५, ४६, 47, 48 और उनचास का संदर्भ देते हुए धारा ४५, ४६, 47 और 48 को विस्तार पूर्वक देखा था धारा 45 एक ऐसा प्रावधान है जो इस बात का उल्लेख करती है कि किसी विक्रेता को हम असंदत विक्रेता की श्रेणी में कब रख सकते हैं असंदत विक्रेता के लिए यह आवश्यक है कि कोई ऐसा विक्रेता हो विक्रेता करते हैं निश्चित रूप से वही है जो धारा दो की उपधारा तेरह में बताया गया है अर्थात जो कीमत के बदले माल में की संपत्ति का अंतरण करता है या करने के लिए सहमत हो जाता है ऐसे में मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो विक्रेता के पद पर है उसने माल में की संपत्ति का अंतरण कर दिया और मिलने वाली कीमत का भुगतान उसे नहीं किया गया है तब उसे हम विक्रेता से असंदत विक्रेता की श्रेणी में रख सकते हैं धारा 45 की उपधारा एक यह स्पष्ट करती है कि असंदत विक्रेता एक ऐसा विक्रेता है जिसे उसकी कीमत का भुगतान पूरी तरह नहीं किया गया है इसका अर्थ यह भी है कि मात्र भागता भुगतान कर देने से कोई विक्रेता असंदत विक्रेता हो सकता है अर्थ यह भी है कि असंदत्त विक्रेता के लिए कुछ न कुछ बकाया होना आवश्यक है यानी अगर एक रुपए भी या एक अंश भी भुगतान के रूप में कीमत के रूप में अगर बचा हुआ है जो विक्रेता को दे है तो जब तक उस कीमत का भुगतान नहीं हो जाता विक्रेता असंदत्त विक्रेता की श्रेणी में रखा जाएगा इस अधिनियम का दूसरा पहलू यह है कि असंदत्त विक्रेता को परिभाषित करते हुए उस परिस्थिति को भी ध्यान में रखा गया है जहाँ कीमत अथवा धन का भुगतान किसी चेक या अन्य निगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में किया गया है इसीलिए धारा 45 की उपधारा एक में जब असंदत्त विक्रेता को परिभाषित किया गया तो उसमें ऐसे विक्रेताओं को भी रखा गया जिनको कीमत का भुगतान चेक के द्वारा या किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया गया हो लेकिन चेक के अनादर के कारण या किसी अन्य परिस्थिति के कारण उसका भुगतान नहीं हो पाया हो ऐसे में वह विक्रेता असंदत्त विक्रेता की श्रेणी में आएगा धारा पैंतालीस एक बात और स्पष्ट करती है कि यहाँ पर विक्रेता पद के अंतर्गत वो सभी व्यक्ति आते हैं असंदत्त विक्रेता के दृष्टिकोण से जो असंदत्त विक्रेता के लिए यानी किसी विक्रेता के लिए उसके एजेंट के रूप में या किसी अन्य तरीके से काम करते हैं उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति जिसे हम क्रेता समझ सकते हैं को किसी माल की आपूर्ति का संव्यवहार किया और माल की आपूर्ति के लिए विक्रेता ने किसी अन्य अभिकर्ता सी के द्वारा माल को पहुंचा करके और उससे कीमत क्रेता से वसूलने के लिए कहा अब वह मध्यवर्ती अर्थात वह अभिकर्ता जब विक्रेता ए के निर्देश के अनुसार बी अर्थात क्रेता के पास माल की आपूर्ति करता है और उसे क्रेता द्वारा जो विक्रय की रकम है उसकी धनराशि देने से इनकार कर दिया जाता है तो ऐसे में यह मध्यवर्ती एजेंट या अभिकर्ता भी असंदत विक्रेता के पद को प्राप्त कर सकेगा यानी उसे वही अधिकार होंगे जो एक असंदत विक्रेता को होते असंदत्त विक्रेता को मिलने वाले अधिकारों का उल्लेख धारा 46 में किया गया था और धारा 46 के उपधारा एक के अंतर्गत सामान्य रूप से कुल तीन अधिकारों की चर्चा की गई है प्रथम अधिकार धारणा अधिकार द्वितीय रास्ते में माल को रोके रखने का अधिकार और तीसरा अधिकार पुनर्विक्रय का अधिकार है धारणा अधिकार की चर्चा हम लोग ने विस्तारपूर्वक अपने पूर्ववर्ती व्याख्यान में की जिसका सार यह था कि जब तक कीमत की अदायगी ना हो जाए और माल विक्रेता के कब्जे में है विक्रेता उस माल पर अपना अधिपत्य बनाए रख सकता है यानी धारणा अधिकार का सामान्य अर्थ हुआ धारण करने का अधिकार और यहाँ धारण करने का अधिकार का अर्थ है कब्जा बनाए रखने का अधिकार लेकिन कब्जा बनाए रखने के अधिकार के लिए दो महत्वपूर्ण शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए पहला कि ऐसा विक्रेता असंधत्त विक्रेता हो अर्थात उसकी कीमत का भुगतान उसको नहीं मिला हो और दूसरी शर्त यह है कि माल उसके कब्जे में है अर्थात माल एक बार कब्जे से निकल जाने के पश्चात वह धारणा अधिकार खो देता है अधिकार बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब तक कब्जा विद्यमान है तभी तक उस पर अधिकार बनाया जा सकता है ऐसे में प्रश्न आता है कि एक बार कब्जा छूट जाने के बाद या कब्जे से माल निकल जाने के बाद क्या उस असंधत्त विक्रेता के पास कोई अन्य अधिकार उपलब्ध होगा धारा 46 की ही उप एक के अंतर्गत दूसरे अधिकारों की चर्चा जिसकी सामान्य चर्चा हम लोगों ने की थी उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि जब कभी क्रेता के लिए माल को स्थानांतरित कर दिया गया है या विक्रेता द्वारा उसे प्रेषित कर दिया गया है चाहे उसके अभिकर्ता द्वारा या किसी कैरियर या किसी वाहक के द्वारा ऐसे में एक अवस्था ऐसी हो सकती है कि माल अभी रास्ते में ही हो और क्रेता को यह ज्ञात हो कि विक्रेता अपने माल को रोकना चाहता है क्योंकि क्रेता दिवालिया हो गया है अर्थात जब भी विक्रेता को यह ज्ञान होगा कि माल अभी रास्ते में है अर्थात क्रेता तक या उसके वाहक तक वह नहीं पहुंचा है और क्रेता दिवालिया हो गया है तो वह निर्देश दे सकेगा उस वाहक को या किसी अन्य रीत से चाहे उस वाहक के मालिक को कि रास्ते में ही सामान को रोक दिया जाए और वह वापस विक्रेता के पास ले आया जाए इसी अधिकार को रास्ते में माल के रोके रखने का अधिकार कहते हैं रास्ते में माल के रोकने के अधिकार के बाद जब विक्रेता पुनः अपने माल पर कब्जा प्राप्त कर लेता है तो उसके सामने यह समस्या होती है कि अब उस माल को क्या करे कब तक इंतजार करे क्या वह उस माल को इंतज़ार करना उचित रहेगा जब तक कि उसे उसकी कीमत का भुगतान नहीं मिल जाता क्या उसका पुनर्विक्रय कर सकता है इसी दुविधा से बचने के लिए धारा छियालीस की उपधारा एक के तृतीय अधिकार के रूप में पुनर्विक्रय के अधिकार की भी कल्पना की गई है लेकिन यह कुछ परिस्थितियों में सीमित है और उस सीमित परिस्थितियों के भीतर रहते हुए विक्रेता को अपने माल को पुनर्विक्रय का अधिकार मिल जाता है अधिकार की चर्चा हम लोगों ने कर ली है अब हम लोग जब रास्ते में माल के रोके रखने के अधिकार की बात करेंगे इस अधिकार की व्याख्या करते हुए आज के इस व्याख्यान में हम लोगों ने इसके विभिन्न चरणों की व्याख्या की है इसके विभिन्न चरणों में सबसे पहला चरण कि यह अधिकार उद्भूत कब होता है यानी इस अधिकार का प्रारंभ क्या होता है फिर इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए या इस अधिकार को अनुप्रयोग में लाने के लिए वो कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा विक्रेता अपनाएगा और इस अधिकार का प्रयोग करने के बाद इस अधिकार से उद्भूत भी अगर कोई अधिकार है तो उसका इस प्रावधान के तहत कितना महत्व है और वह किस प्रकार अपने उद्देश्य को यानी कीमत को प्राप्त करने के अधिकार को फलीभूत कर सकेगा इन अधिकारों की शुरुआत कब होती है और कब समाप्त हो जाते हैं यह दो महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनके बीच में अंतर करना भी आवश्यक है क्योंकि एक बार जब माल से कब्जा हट जाता है तो यही वो अधिकार है जिनका प्रयोग वह विक्रेता धारा पचास से धारा चौवन के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों में करता है इन प्रावधानों के अंतर्गत मूल रूप से रास्ते में या अभिवहन में माल के रोके रखने के अधिकार के तत्व इन अधिकारों का प्रयोग कब किया जाता है इन अधिकारों के प्रयोग के दौरान चूंकि रास्ते में माल को रोके रखने का अधिकार है तो यह एक जटिल प्रश्न है कि कब तक यह कहा जाएगा कि रास्ते में माल है या परिवहन में माल है इसलिए पारगमन की अवधि और इस अधिकार का प्रयोग करते हुए दोबारा कब्जा प्राप्त करने के बाद माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विक्रय का अधिकार विक्रय की संविदा को अगर हम देखें तो यह एक ऐसी संविदा है जिसमें कीमत के बदले माल में की संपत्ति का अंतरण होता है यानी कि एक सामान्य तथ्य है कि जब तक कीमत की अदायगी नहीं हो जाएगी तब तक माल में क्रेता को अधिपत्य नहीं दिया जाना चाहिए यद्यपि माल में की संपत्ति को अंतरित करने के लिए और उसका स्वामित्व का हस्तांतरण करने के लिए कीमत का कब भुगतान हो और किन तरीकों से भुगतान हो यह महत्व तो नहीं है लेकिन यह महत्व तो विक्रेता के लिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि उसने अपने माल में के स्वामित्व को अंतरित किया है इसलिए उसके बदले में मिलने वाली कीमत का भुगतान उसे होना ही चाहिए इसीलिए कहा गया है कि विक्रेता का जो मूल्य ले लेने का अधिकार है वह मात्र एक धारणाधिकार नहीं है बल्कि या, माल के अधिपत्य से समाप्त होने की बजाय इन अधिकारों से विस्तृत एक ऐसा अधिकार है जो अपने प्रारंभिक स्वामित्व से उत्पन्न होता है यानी माल का अधिपत्य प्राप्त करने के लिए जब तक उसे कीमत लेने का शर्त या कीमत प्राप्त होने की शर्त पूरी नहीं हो जाती यानी कि ऐसे में अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए वह किस प्रकार एक बार कब्जे से निकल जाने वाले माल को रास्ते में रोक सकता है यानी पारागमन में रोका जा सकता है इस संबंध में प्रावधान को हम विभिन्न श्रेणियों में देखेंगे लेकिन एक सामान्य अवस्था में यह कहा जा सकता है कि जब एक बार पारागमन में माल चला गया अर्थात क्रेता के पास जाने के लिए वह विक्रेता के कब्जे से निकल गया तो उसे कब कितनी दूरी पर और किस अवस्था में रोक करके अपने इन अधिकारों का प्रयोग विक्रेता द्वारा करना है यह उस बिंदु पर निर्भर करता है जिस बिंदु पर विक्रेता को यह ज्ञात होता है कि क्रेता अब दिवालिया हो चुका है क्योंकि एक बार माल निकल जाने के पश्चात रास्ते में उसे रोकने का विक्रेता को कभी कोई अधिकार उपलब्ध नहीं किया गया क्योंकि रास्ते में माल को रोकने के पहले उसके पास जो धारणा अधिकार था वह माल कब्जे से जाते ही समाप्त हो गया ऐसे में यही एक बिंदु है और यही एक तर्क है जिसके सहारे वह रास्ते में माल को रोक सकता है और वह है कि इस बात का ज्ञान होना कि क्रेता दिवालिया हो चुका है और इस बात का ज्ञान होते समय माल की स्थिति ऐसी है कि वह अभी क्रेता या उसके अभिकर्ता या उसके वाहक को नहीं मिला है बल्कि रास्ते में है यानी विक्रेता ऐसे स्थान पर अपने इस अधिकार का प्रयोग करेगा जहां पर रास्ते में माल है अथवा माल का संप्रेषण अभी क्रेता तक नहीं हुआ है तो रास्ते में माल के रोखे रखने के अधिकार की तकनीकी और विधिक पक्ष को धारा पचास में समाहित किया गया है यदि हम धारा पचास को देखें तो इस बात की पुष्टि करता है कि जब क्रेता परिदान है तो माल को किसी वाहक या किसी उपनीति को दे देता है और उसे इस बात का भान होता है कि क्रेता दिवालिया हो गया तो जब तक माल अभिवन में है क्रेता के लिए विक्रेता उसे रोक सकता है यानी यह एक असंदत्त विक्रेता का अधिकार है कि वह दिवालिया होने की दशा में और क्रेता तक कब्जा पहुंचने के पहले अभिवहन के स्थिति में माल को रोक करके अपनी कीमत पाने के अधिकार को बचा सकता है लार्ड रीडिंग ने इसे और स्पष्ट करते हुए इसके विधिशास्त्रीय तर्क की कर कही और कहा कि यह एक ऐसा अधिकार है जो इस सामान्य कारण पर अधिकार है किसी एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति या किसी दूसरे व्यक्ति के माल के लिए या उसके माल के सहारे ऋणों के भुगतान के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए यानी अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं किया जाना चाहिए यह बूथ स्टीम सी बनाम कार्गो फ्लिप के बाद में लॉर्ड रीडिंग ने इसी तर्क के साथ धारा पचास के प्रावधानों का बचाव और इसके उद्देश्यों की स्पष्टता को लाया था अर्थात असंदत विक्रेता द्वारा वस्तुओं को अपने कब्जे से निकालने के बाद या अपना कब्जा खो देने के बाद उस खरीदार के पास माल पहुंचने के पहले रास्ते में माल को रोके रखने के अधिकार को धारा पचास अनुमति देती है और जब माल रास्ते में रहता है और क्रेता दिवालिया हो गया है तभी तक यह अधिकार या उसी बिंदु पर यह अधिकार प्राप्त होता है अर्थात हम जिन अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं और पूर्ववर्ती व्याख्यान से जिस अधिकारों को हम लोग देखते आए हैं अर्थात धारणा अधिकार और अभिवहन में माल के रोके रखने का अधिकार इन दोनों ही अधिकारों में यदि हम मूलभूत अंतर देखें तो यद्यप कि ये दोनों ही अधिकार एक ऐसे अधिकार हैं जो एक ऐसे विक्रेता को प्राप्त होते हैं जो असंदत्त विक्रेता है यानी जिसके लिए उसकी कीमत का भुगतान नहीं किया गया है और दोनों का उद्देश्य भी एक है और वह उद्देश्य है अपनी कीमत का भुगतान पाने के लिए माल को रोकना या माल पर अपना कब्जा सिर्फ इसलिए प्राप्त कर लेना क्योंकि अभी उसको कीमत का भुगतान नहीं हुआ यानी अपनी कीमत की सुरक्षा के लिए बचाव का एक तरीका लेकिन बचाव के तरीके के अधिकार के रूप में ये जो दो अधिकार हैं ये दो विभिन्न श्रेणियों के अधिकार हैं इसलिए हमें इन दोनों अधिकारों के बीच में अंतर को समझना होगा धारणाधिकार और रास्ते में माल को रोके रखने के अधिकारों में यदि हम मूल अंतर देखें तो धारणा अधिकार का प्रयोग तभी हो सकता है जबकि विक्रेता के पास माल का कब्जा बरकरार है जबकि दूसरी तरफ पारगमन में या रास्ते में माल के रोके रखने के अधिकार का प्रयोग उस समय होता है जब विक्रेता से माल का कब्जा निकल चुका है लेकिन अभी उसका कब्जा क्रेता तक भी नहीं पहुंचा है यानी जिस क्षण अभिवहन में माल को रोके रखने का प्रारंभ होता है ठीक उसी क्षण धारणा अधिकार की समाप्ति हो जाती है और धारणा अधिकार की समाप्ति होने के बाद ही रास्ते में माल के रोके रखने का अधिकार प्रारंभ होता है लेकिन रास्ते में माल के रोके रखने के प्रारंभ होने के साथ इस अधिकार के प्रयोग के लिए आवश्यक है कि इस बात का ज्ञान हो जाए कि क्रेता दिवालिया हो गया है यदि क्रेता की दिवालिया होने का ज्ञान विक्रेता को नहीं मिलता है और अधिकार समाप्त हो गया है तब ऐसे में इस रास्ते में या अभिवहन में माल के रोके रखने के अधिकार का प्रयोग असंदत्त विक्रेता द्वारा नहीं किया जा सकेगा अभिवहन में रास्ते में माल के रोके रखने के अधिकार के तहत इस अध्याय में धारा पचास में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी उपबंधों के अधीन रहते हुए जबकि क्रेता दिवालिया हो जाए तब असंदत्त विक्रेता जिसने माल को अपने कब्जे से अलग कर दिया है माल को रास्ते में रोके रखने का अधिकार प्राप्त करता है यानी इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए तीन बातें आवश्यक तत्व के रूप में निकल कर आती है सबसे पहला कि विक्रेता एक ऐसा विक्रेता है जिसे कीमत का भुगतान नहीं हुआ है यानी कि वह असंधत्त विक्रेता होना चाहिए दूसरा उसे इस बात का ज्ञान हो जाना चाहिए कि क्रेता दिवालिया हो चुका है और तीसरा संपत्ति का संक्रमण हो चुका हो और माल अभिवहन में हो संपत्ति का संक्रमण होने का तात्पर्य कि अब विक्रेता विक्रेता के पद को प्राप्त कर चुका है और उसका स्वामित्व विक्रेता ने क्रेता को दे दिया है लेकिन कब्जा अभी क्रेता को नहीं मिला है इसीलिए महत्वपूर्ण है कि माल अभिवहन में हो यानी स्वामित्व का अंतरण तो हो चुका हो लेकिन कब्जे का अंतरण अभी नहीं मिला हो क्रेता को वह वा किसी वाहक के पास या रास्ते में किसी अन्य के पास उसका अभिवहन है और दिवालिया होने का ज्ञान विक्रेता को हो चुका है इन्हीं परिस्थितियों में एक असंधत्त विक्रेता द्वारा अपने इस अधिकार का प्रयोग किया जाएगा एक बात यहां और महत्वपूर्ण है कि माल अभिवहन में है या नहीं है इस तथ्य का पता कैसे चलेगा क्योंकि माल के अभिवहन में होने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह रास्ते में मौजूद है माल के अभिवहन में होने का तात्पर्य यह है कि वह इस बात पर निर्भर करता है कि माल किसके कब्जे में और किस हैसियत से है अर्थात वह मध्यस्थ जिसके पास माल मौजूद है उसकी हैसियत क्या है यदि वह सामान्य वाहक है अथवा विक्रेता के लिए काम करने वाला व्यक्ति है तब वह रास्ते में माल या अभिवन में माल कहा जा सकता है लेकिन माल रास्ते में होने के बावजूद भी एक ऐसे मध्यस्थ व्यक्ति के पास है जो क्रेता की उपनिहती के तौर पर या अभिकर्ता के तौर पर कार्य कर रहा है और उसने क्रेता के लिए उस माल का कब्जा प्राप्त कर लिया है उस दृष्टि से अब यह माल रास्ते में रहने के बावजूद भी हम इसे अभिवहन में या रास्ते में रखा हुआ माल नहीं कह सकते अर्थात यदि क्रेता का अभिकर्ता है तो और क्रेता ने माल पा लिया है या क्रेता ने माल नहीं भी पाया है लेकिन उसके अभिकर्ता द्वारा उसका कब्जा ले लिया है तो तत्क्षण उसी क्षण विक्रेता के सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं यानी जब माल स्वतंत्र व्यक्ति के हैसियत में हो या विक्रेता के उपनिहिति की हैसियत में हो तभी यह विक्रेता द्वारा असंदत्त विक्रेता के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए और यह आवश्यक नहीं है कि माल चल रहा हो यदि माल किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जो माल भेजने के लिए अभिकर्ता है तो भी यह माना जाएगा कि माल अभिवहन में स्थिर है अब इसमें दूसरा प्रश्न यह आता है कि मान लीजिए कि माल अभी में है और क्रेता को इस बात का ज्ञान भी हो गया है कि क्रेता दिवालिया हो गया ऐसे में विक्रेता द्वारा क्रेता के दिवालिया होने के ज्ञान होने के बाद और अभिवहन में माल होने के बाद उसका प्रयोग वह किस प्रकार करेगा यानी अपने इस अधिकार के प्रयोग को करने के लिए जो प्रावधान है इस अधिनियम की धारा इक्यावन में दिए गए धारा इक्यावन की उपधारा एक यह स्पष्ट करती है कि माल उस समय से जब क्रेता को प्रेषित करने के प्रयोजन के लिए मालवाहक या अन्य उपनिहिति को माल परिदत्त कर दिया जाता है तब यह अनुक्रम में समझा जाएगा और परिवहन में समझा जाएगा जब तक क्रेता या उसका अभिकर्ता ऐसे माल या उसका उपनिहिति ऐसे माल का परिदान नहीं प्राप्त कर लेता है अर्थात यदि क्रेता या उसका प्रतिनिधि माल की डिलीवरी या माल के प्राप्त होने के नियत स्थान के पहले पहुंचकर अगर उसे प्राप्त कर लेता है तो भी पारागमन की अवधि समाप्त मानी जाएगी और तीसरा जो प्रावधान रास्ते में माल के रोके रखने के अधिकार के लिए रास्ते में माल है कि नहीं इस प्रश्न को सुलझाने वाला है वह है कि यदि नियत गंतव्य पर माल के पहुंचने के पश्चात वाहक या जो उपनीति है क्रेता या उसके अभिकर्ता को यह स्वीकार कर लेता है कि यह अब माल उसके लिए धारण करेगा और क्रेता या उसके अभिकर्ता की नीति के रूप में वह कार्य करके अपना कब्जा बनाए रखता है उस समय भी पारागमन की अवधि समाप्त हो जाती है और इस बात का कोई महत्व नहीं रहता है कि क्रेता द्वारा माल के लिए कोई अगला गंतव्य बताया गया है या नहीं बताया गया है उपधाराचार्य स्पष्ट करती है कि क्रेता द्वारा माल को यदि अस्वीकार कर दिया जाता है और वाहक या अन्य निक्षेपिति उस पर अपना कब्जा बनाए रखता है तो पारागमन समाप्त नहीं होगा भले ही विक्रेता ने उसे वापस लेने से इंकार कर दिया हो और जब माल क्रेता द्वारा किराए पर किसी जहाज या भारवाहक को दिया जाता है तब यह प्रश्न विशेष मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वे मालिक के कब्जे के वाहक के रूप में हैं या किसी क्रेता के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं जहां वाहक या अन्य उपनीति क्रेता या उसके प्रतिनिधि को माल देने के तरीके से इनकार करता है तो ऐसे में भी पारागमन समाप्त हो जाता है और महामाल का आंशिक परिदान क्रेता या उसके प्रति को कर दिया गया है वहाँ माल का शेष भाग अभिवहन में रोका जा सकेगा जब तक ऐसा आंशिक परिदान ऐसी परिस्थिति में ना किया गया हो जिससे संपूर्ण माल पर अपना कब्जा छोड़ने का जो करार है या आशय है वो दर्शित होता है इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रावधान के अंतर्गत धारा पचास में कुल सात ऐसी परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिसमें यह कहा जा सकता है कि माल अभी परिवहन में है वास्तव में माल परिवहन में है या नहीं है इसको निश्चित करने के लिए या इसको सुनिश्चित प्रस्थापित करने के लिए विधि में कुछ दृष्टात्मक तरीके बताए गए हैं और सात तरीकों में इन दृष्टात्मक तरीकों को धारा पचास के अंदर समाहित किया गया है और इस संबंध में जस्टिस के ने कहा कि अभिवहन में जो माल है उसे रोकने का विशेष तत्व यह है कि माल एक मध्यस्थ व्यक्ति के हाथ में है स्केटमैन बनाम लेंडरसन के बाद में जस्टिस केयरसन ने कहा कि वह विक्रेता जिसने माल दे दिया है और अभी उस माल को जब तक क्रेता ने प्राप्त नहीं किया है और माल क्रेता और विक्रेता के बीच में विद्यमान है तो यह दर्शित करेगा कि माल परिवहन की अवधि में है अर्थात धारा पचास का जो सार तत्व है वह यह कि माल विक्रेता से निकल चुका है क्रेता तक नहीं पहुँचा है और अभी इन दोनों के बीच में किसी मध्यस्थ व्यक्ति के पास पड़ा हुआ है इसी अवस्था में दिवालिया होने के क्रेता की स्थिति के ज्ञान को विक्रेता द्वारा अपने अधिकार के प्रयोग करने के लिए इसे दूसरे अधिकार के रूप में समाहित किया गया है लेकिन जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इस धारा अर्थात धारा पचास में कुछ दृष्टांतमक तरीके बताए गए हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि माल परिवहन में है तो उसकी चर्चा करना आवश्यक हो जाता है अगर धारा पचास की उपधारा एक को देखें तो यह स्पष्ट करती है कि माल परिवहन में है या अभिवहन में है उस समय जबकि क्रेता को परिदान किया जाने के लिए माल गया अर्थात जब जिस समय क्रेता द्वारा माल को प्राप्त कर लिया गया उस समय यह अधिकार समाप्त होगा इसका अर्थ यह भी है कि जब तक क्रेता द्वारा माल पर कब्जा प्राप्त नहीं किया जाता है और विक्रेता के हाथ से कब्जा निकल जाता है उस पूरे ही समय को परिगमन की अवधि को परिगमन की अवधि के दौरान माल का बना रहना अर्थात इस अधिकार का जीवंत रहना कहा जा सकता है और एक बार क्रेता को माल प्राप्त होते ही इस अभिवाहन का अंत हो जाता है ग्रेट इंडियन पेनिसला रेलवे एक विक्रेता ने एक रेलवे को एक टेंडर के तहत अपना माल क्रेता तक पहुंचाने के लिए करार किया जैसे ही गंतव्य स्थान पर रेलवे उसके माल को लेकर के पहुंचती है क्रेता द्वारा उस माल को उस रेलवे कंपाउंड से प्राप्त करने के लिए एक लारी या एक ठेले द्वारा उस रेलवे कंपनी के पास उस रेलवे यार्ड के पास उसको लगा दिया जाता है और अब रेलवे कंपनी के द्वारा उस माल को रेलवे से निकाल करके यार्ड में स्थित जो लॉरी है उस पर लादे जाने की व्यवस्था की जाती है जो अभिकर्ता के रूप में लारी लाने वाला व्यक्ति था उसने क्रेता के लिए माल प्राप्त करने के लिए रेलवे से उस माल को अपने लारी पर लादने का निवेदन करता है और वह माल लारी पर लाद भी दी जाती है और लारी पर माल लादने के बाद अभी उस कंपाउंड अर्थात उस रेलवे कैंपस से बाहर निकली ही नहीं थी कि विक्रेता द्वारा इस बात की तसल्ली कर ली जाती है कि क्रेता दिवालिया हो गया है और इसकी सूचना भी दे दी जाती है और रेलवे जो एक वाहक के रूप में कार्य कर रहा था उसे जब यह सूचना मिलती है कि इस माल को रोका है और रोके जाने के लिए कहा गया है तो वह उस लारी को रुकवाने का कार्य करता है ऐसे में तर्क यह था कि जो लारी है अभी चुकी रेलवे कैंपस के बाहर निकली नहीं है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अभिवहन में जो माल है वह समाप्त हो गया क्योंकि जब तक लारी कंपाउंड में है तब तक यह नहीं माना जाएगा की क्रेता ने उस पर कब्जा प्राप्त कर लिया है लेकिन दूसरी तरफ क्रेता का कहना था कि जैसे ही उसके अभिकर्ता ने कब्जा अपने लारी पर सामान के लादने के पश्चात प्राप्त किया वैसे ही अभिवहन की समाप्ति हो गई न्यायालय ने इस मामले में निर्णय दिया कि चूंकि माल को रोके जाने की सूचना मिलने के पहले ही लारी पर या ठेले पर उस सामान को लाद दिया गया था अर्थात लारीदार द्वारा उसका कब्जा प्राप्त कर लिया गया था जो क्रेता के लिए कार्य करता है ऐसे में अभिवहन की स्थिति वहीं पर समाप्त हो जाती है यानी जब तक क्रेता माल स्वीकार ना करे तब तक माल का स्वीकार करने के परिवहन की अवधि के दौरान बना रहेगा लेकिन एक बार जैसे ही क्रेता द्वारा माल की स्वीक्रोक्ति हो जाती है परिवहन का समय तुरंत समाप्त हो जाता धारा पचास के अंतर्गत प्रावधानों के अंतर में जो दूसरा प्रावधान हम लोगों ने देखा उसमें एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना की गई है जहाँ क्रेता द्वारा हस्तक्षेप करके माल पर कब्जा प्राप्त करने के लिए कहा जाता है यानी ऐसी स्थिति हो सकती है कि जहाँ क्रेता गंतव्य स्थान पर पहुँचने के पूर्व ही माल पर अपना कब्जा प्राप्त कर ले उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने एक किसी रेलवे टर्मिनल टी पर किसी क्रेता को माल को पहुंचाने का करार किया और माल की डिलीवरी टी रेलवे स्टेशन पर होनी है परंतु टी रेलवे स्टेशन पर उस वाहक द्वारा जो विक्रेता के लिए माल को लेकर जा रहा है पहुंचने के पहले ही टी रेलवे स्टेशन के पहले आने वाला क्यू रेलवे स्टेशन जहां पर क्रेता का एक अभिकर्ता पहले से मौजूद था और उसके द्वारा यह कहा जाता है कि चूंकि टी रेलवे स्टेशन अभी दूर है और टी रेलवे स्टेशन की तरफ ही मुझे जाना है तो अच्छा होगा कि माल का कब्जा मुझे यहीं प्राप्त हो जाए और मैं इसे आगे लेकर के जाऊंगा ऐसी अवस्था में गंतव्य स्थान पर पहुंचने के पहले ही क्रेता या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्तक्षेप करके यदि माल के कब्जे को प्राप्त कर लिया गया तो रास्ते में माल के रोके रखने के अधिकार के तहत जो परिवहन की अवधि होगी वह एक स्टेशन पहले अर्थात गंतव्य स्टेशन के पहले ही समाप्त हो जाएगी ऐसे में गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के पहले भी यदि क्रेता के दिवालिया होने के तथ्य का पता विक्रेता को चलता है लेकिन माल का कब्जा क्रेता या उसके अभिकर्ता द्वारा प्राप्त कर लिया गया है तो अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएगा लाइन्स में नाम हैंडफंक के बाद में कहा गया कि यदि क्रेता रास्ते में उसी जहाज से सफर कर रहा है जिससे उसका माल ले जाया जा रहा है तो या नहीं कह सकते हैं कि उसका कब्जा क्रेता ने प्राप्त कर लिया है क्योंकि कब्जा प्राप्त करने के लिए उसकी अभिस्वीकृति यानी कब्जे को स्वीकारना महत्वपूर्ण होता है इसी प्रकार धारा पचास की उपधारा तीन में एक ऐसी परिस्थिति जहां क्रेता के प्रति वाहक द्वारा भी स्वीकृति दी गई हो यानी गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर यदि जो वाहक है वह वा क्रेता या उसके अभिकर्ता को यह कहता है कि यह माल उसी के लिए है तो अभिवहन समाप्त हो जाएगा यानी माल अभिवाहक के पास हो अथवा क्रेता ने उसे किसी अन्य स्थान पर ले जाने को कहा है इस तथ्य से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि माल ले जाने वाले मध्यवर्ती ने माल को अब विक्रेता की बजाय या स्वतंत्र वाहक की बजाय क्रेता के लिए अपने अधीन स्वीकार करना स्वीकार कर लिया हो वाइट हेड बनाम एंडरसन के बाद में जो क्रेता उसने कहा कि माल के भुगतान होने पर ही भाड़े का भुगतान करके ही आप माल को ले जा सकते हैं भाड़े का भुगतान किया जाने से पहले विक्रेता ने माल के रोकने का आदेश दे दिया यहां जहाज के कप्तान जो वाहक था माल विक्रेता को अभिकर्ता को प्राप्त किया गया इसी प्रकार जब विक्रय संविदा के अंतर्गत माल कई गंतव्य स्थानों द्वारा लेकर जाना होता है तब माल तब तक अभिवहन में रहता है जब तक वह अंतिम गंतव्य स्थान पर ना पहुंच जाए पैठल एंड कंपनी बनाम क्लार्क एंड कंपनी के बाद में एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया गया है जहां जो माल है वो पहले गाड़ी द्वारा ले जाना था बाद में उसको जहाज के द्वारा पहुंचाना था विक्रय ने जो विक्रेता था उसने रेलवे कंपनी को माल के रोकने का आदेश तो दिया लेकिन यह आदेश माल पर जहाज के लदने के पहले नहीं पहुंच पाया और विक्रेता ने जहाज को मेलबोर्न के पहले पहुंचने की सूचना दे दी दिवालिया क्रेता के रिसीवर ने माल मांगा यह कहा गया कि यह सूचना अभिवहन के समाप्ति होने के पहले आ गई थी अर्थात मान लीजिए कि कोई माल विभिन्न स्थानों से हुई हुए या विभिन्न वाहकों के द्वारा भी पहुंचाया जाना हो तो अभिवहन की समाप्ति किसी विशेष वाहक के समाप्त होने से या किसी स्थान के समाप्त होने से नहीं होती बल्कि वह तब तक बनी रहती है जब तक माल अंतिम स्थान तक नहीं पहुंच सकता उदाहरण के लिए जैसा हम लोग ने इस वाद में देखा कि एक माल जो विभिन्न गंतव्य स्थानों के बाद अंतिम गंतव्य स्थान पर ले जाया जाना था और अंतिम गंतव्य स्थान पर ले जाने के बाद माल वाहक द्वारा उसका कब्जा किसी अन्य वाहन या पोत पर दिया जाना था वहाँ गाड़ी पर या वाहन पोत पर लादने के पहले ही चुकी यह सूचना मिल गई तो ऐसी सूचना अपने अधिकार के प्रवर्तन के लिए प्रभावशाली मानी जाएगी लॉर्ड ऐसर ने कहा कि क्या पहला मार्ग खत्म होकर के नया मार्ग प्रारंभ हो गया है इस प्रश्न की जांच इस प्रकार की जा सकती है कि मार्ग संविदा के या क्रेता के आदेशानुसार होता है या और विक्रेता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए होता है लेकिन जब मालवाहक के हाथ में माल क्रेता द्वारा दिया गया हो और उसके आदेश के अनुसार नए स्थान पर ले जाने के लिए वाहक के पास है तो माल अभिवहन में नहीं कहा जा सकता यानी इसका सार तत्व यह है कि जब तक वाहक स्वतंत्र वाहक के रूप में या विक्रेता के निर्देश के रूप में कार्य कर रहा है तब तक माल परिवहन में है जैसे ही उसने क्रेता के निर्देश पर कार्य करना शुरू कर दिया भले ही माल उसी के कब्जे में हो परिवहन समाप्त मान लिया जाता है और एक स्थिति ऐसी भी होती है कि क्रेता के पास माल लेकर के उसका उपनीहिति या अभिकर्ता पहुंच गया है, लेकिन क्रेता ने माल को लेने से इंकार कर दिया हो ऐसी अवस्था में यदि क्रेता माल को अस्वीकार कर देता है और माल वाहक के पास ही माल रह जाता है तो अभिवहन समाप्त नहीं होता चाहे विक्रेता ने भी इसे लेने से इंकार कर दिया हो इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए कोई विक्रेता वी उसने एक अभिकर्ता को या स्वतंत्र व्यक्ति को कोई माल देता है जिसकी आपूर्ति और डिलीवरी गंतव्य स्थान पर क्रेता तक की जानी है ऐसे में जब क्रेता को माल पहुंचाने के उद्देश्य से उस वाहक द्वारा उस गंतव्य स्थान पर माल ले जाया जाए और उस माल की प्राप्ति के लिए या माल को रोकने के लिए या माल को प्राप्त करने के लिए जो क्रेता की स्वीकृति थी वह नहीं मिल पाती या क्रेता द्वारा उसकी स्वीकृति देने से इंकार कर दिया जाता है तो माल की क्या स्थिति होगी यहाँ स्पष्ट है क्योंकि माल का स्वामित्व तो क्रेता को मिल ही चुका है यह महत्वपूर्ण माल के कब्जे को लेकर के है और अगर ऐसे में क्रेता द्वारा स्वीकृति देने से इंकार कर दिया जाता है या माल को प्राप्त करने से इनकार कर दिया जाता है तो यह माना जाना चाहिए कि अभी भी माल का कब्जा उस क्रेता को नहीं मिला और उस वाहक के पास है ऐसे में वाहक के पास कब्जा रहने पर वाहक पुनः उस माल को लेकर के उस विक्रेता के पास पहुंचता है तो विक्रेता उसे स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी क्योंकि विक्रेता के पास उस माल का स्वामित्व तो नहीं रह गया है ऐसे में यदि विक्रेता उसके माल के कब्जे को भी लेने से इंकार कर देता है और पुनः उसे भेज देता है तो उस माल की स्थिति परिगमन में तब तक रह जाएगी जब तक विक्रेता अथवा क्रेता द्वारा दोनों में से इसे किसी को स्वीकार नहीं हो जाता यानी क्रेता द्वारा इंकार की दशा में माल क्रेता के पास ना हो करके उस वाहक के पास रहेगा और परिवहन की स्थिति बनी रहेगी और पुनः विक्रेता द्वारा भी नहीं स्वीकार किया जा सकता है तो माल की स्थिति परिवहन में बनी रहेगी और इस पूरे मियाद के दौरान चाहे वो क्रेता से विक्रेता या विक्रेता से क्रेता के इनकार की स्थिति हो जब तक माल का कब्जा उस वाहक के पास है यदि किसी बिंदु पर क्रेता के दीवालिया होने का भान विक्रेता को होता है तो विक्रेता कभी भी अपने पारे में माल को रोके रखने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है इसी प्रावधानों के अंतर्गत क्रेता द्वारा यानी किसी किराए पर अगर कोई वाहन लिया जाता है या जहाज लिया जाता है या पोत लिया जाता है जिसके द्वारा माल को पहुंचाया जाना है तो ऐसे में परिवहन के माल के होने की क्या स्थिति होगी जब माल किसी ऐसे जहाज को दिया गया हो जिसे क्रेता ने किराए पर लिया हो तो प्रश्न यह है कि वाहक क्रेता का अभिकर्ता है या यह विक्रेता के लिए कार्य कर रहा है और यह पूरा का पूरा तथ्य वाद की परिस्थितियों पर निर्भर करता है अर्थात यदि परिस्थितियों से यह स्पष्ट हो जाए कि वह जो माल है उसे ढोने वाला जहाज या उसे लारी जो कैरियर या वाहक है वह वा क्रेता के लिए कार्य कर रहा है या क्रेता के निर्देशों पर कार्य कर रहा है तो उस माल का विक्रेता पर कब्जा मान लिया जाएगा लेकिन वाद की परिस्थिति ऐसी बताती हैं कि वह एक स्वतंत्र अभिकर्ता है या विक्रेता के कहने पर कार्य कर रहा है तो माल परिवहन की स्थिति में रहेगा लेकिन यदि विक्रेता के कब्जे में है तो अभी वह उस पर धारणाधिकार का प्रयोग करेगा क्योंकि माल के पारिश्रम के क्रम में बने रहने के दौरान ही अपने द्वितीयक अधिकार का प्रयोग विक्रेता द्वारा किया जाना है इसलिए माल पारिसड के अनुक्रम में है या नहीं है यह उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है या निर्भर करता है जो मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहा है रोसेवर चाइना क्ले कंपनी बनाम इसमें एक चाइना मिट्टी या चाइना मिट्टी बेचने की संविदा की गई थी जिसे माल विक्रेता को अपने व्यय पर बंदरगाह से जहाज पर लादना था क्रेता ने जहाज किराए पर लिया था जिसके अनुसार विक्रेता ने माल जहाज पर लाद दिया इस माल को रोकने का आदेश मिलने पर रोकने का आदेश प्रभावी माना गया क्योंकि जो माल था वह अभी क्रेता को प्राप्त नहीं हुआ था कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वाहक द्वारा माल लेकर जाया जा रहा हो लेकिन उसे क्रेता को देने की बजाय स्वयं वाहक द्वारा एक अनुचित तरीके से इंकारी कर दी जाती है या मना कर दिया जाता है और पहुंचाने पर गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद भी इंकार कर दिया जाता है जब गंतव्य स्थान पर पहुँच वाहक यदि अनुचित रूप से माल को देने को इनकार करता है तो अभिवहन तुरंत समाप्त मान लिया जाता है बर्ड बनाम ब्राउन के मामले का एक अच्छा उदाहरण इसमें देखने को मिलता है जहां माल गंतव्य स्थान पर तो पहुंच गया लेकिन क्रेता दिवालिया था इसलिए व्यापारी ने अपने आप ही विक्रेता के रूप में कार्य करते हुए वाहक को माल देने से इंकार कर दिया और इसके बाद क्रेता के रिसीवर ने माल मांगा वाहक ने माल देने से इनकार कर दिया इस मामले में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि विक्रेता के अधिकार का प्रयोग विक्रेता के द्वारा ही किया जाना चाहिए अर्थात विक्रेता को जब इस मामले का भान होता है कि क्रेता दिवालिया हो गया है और वह अपने दिवालिया होने के कारण प्रयोग में लाए जाने वाले माल के रोके रखने के अधिकार का प्रयोग करना चाहता है तो ऐसी सूचना या ऐसा निर्देश वाहक को देकर इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि एक स्वतंत्र वाहक जो माल को पहुंचाने का कार्य कर रहा है बिना विक्रेता के निर्देश के स्वयं के विवेक पर इस अधिकार का प्रयोग विक्रेता के लिए करें अर्थात इस मामले में चूंकि बिना किसी निर्देश के वाहक द्वारा जब यह ज्ञान हुआ कि क्रेता दिवालिया हो गया है और उसने देने से इंकार कर दिया तो यह माना गया कि विक्रेता ने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया है बल्कि उसके वाहक ने अनुचित तरीके से क्रेता को माल देने से इनकार कर दिया है और ऐसे में यदि अनुचित ढंग से या किसी रीत से वाहक द्वारा क्रेता को माल देने से इंकार किया जाता है तो परिवहन में अधिकार अर्थात जो माल की परिवहन की अवधि है वही समाप्त हो जाती है एक और अवस्था की चर्चा इस धारा में की गई है कि यदि माल के परिवहन के दौरान कुछ माल का पालन भागिक परिदान के रूप में कर दिया गया है और कुछ माल अभी बचा हुआ है यानी जब माल का कुछ हिस्सा कुछ भाग क्रेता को दे दिया गया हो और शेष भाग अभी परिवहन में हो तो क्या शेष बचे भागों पर, पर परिवहन में रोकने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है अर्थात जब तक कि भागिक परिदान से इस अधिकार का परित्याग नहीं कर दिया गया है उदाहरण के लिए ए ने बी को कपास की सौ गांठें भेजी थी और उसमें से साठ गाँठें क्रेता को मिल गई चालीस गाँठें रास्ते में मौजूद थी तभी पता चलता है कि क्रेता दिवालिया हो गया और विक्रेता को इसका कोई भुगतान नहीं मिला था तो चूंकि वाद की परिस्थितियों से यह दर्शित होता है कि सभी माल पर उसने अपने कब्जे का परित्याग नहीं किया था इसलिए उसे रास्ते में रोके रखने का अधिकार था यहाँ ध्यान देने योग्य है कि रास्ते में माल का मौजूद होना या ना मौजूद होना भागिक परिदान के दृष्टि से उस समय भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब विक्रेता का आशय संपूर्ण माल को अपने कब्जे से त्याग देने का या कब्जे में बनाए रखने का अपने इस अभिवहन में रोके रखने के अधिकार का प्रयोग करते हुए रास्ते में कैसे उस माल को रोका जाए इसका प्रावधान इस अधिनियम की धारा बावन में किया गया है और इस अधिनियम में धारा बावन में दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं प्रथम तथ्य जो धारा बावन की उपधारा एक में तीन शर्तों के साथ है और दूसरा उसकी सूचना के संबंध में है जो यह दर्शित करती है कि अभिव्यन में रास्ते में माल को रोका कैसे जाएगा एक असंधत्त विक्रेता अभिवहन में रोकने के अपने अधिकार का प्रयोग या तो माल पर वास्तविक कब्जा प्राप्त करके कर सकता है या जिस वाहक या अन्य उपनीति जिसके कब्जे में माल है उसे अपने दावे की सूचना देकर कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति को सूचना देकर कर कर सकता है जिस पर उस माल के वास्तविक कब्जा है या उसके मालिक को और उसके बाद सूचना प्रभावी होने की दशा में ऐसी परिस्थितियों में जहां मालिक युक्त युक्त रूप से मिलने वाली सूचना का परिदान अपने वाहक को कर सके या इतना समय रहते हुए उसे यह सूचना मिल जाए कि क्रेता के होने वाले परिदान को वह निवारित कर सके अर्थात माल को परिवहन में रोकने की जो सूचना है वो माल वाहक या कब्जा रखने वाले व्यक्ति को विक्रेता द्वारा दी जाती है तब माल परिदान करने वाले विक्रेता या उसके निर्देश के अनुसार वह कार्य करेगा और विक्रेता को ही ऐसे व्यय को उठाना पड़ेगा यानी अगर प्रश्न यह है कि किसी अभिवहन में माल को कैसे रोका जा सकता है तो उस दृष्टांत का उस परिस्थिति का उत्तर अधिनियम की धारा बावन में देते हुए विधायन ने स्पष्ट किया है कि या तो उस माल पर वास्तविक कब्जा प्राप्त कर लिया जाए या रास्ते में माल अभिकर्ता के रूप में या मध्यवर्ती के रूप में या वाहक के रूप में जिस मध्यस्थ व्यक्ति के पास है उसके पास अपने दावे को बताकर उसको दावे की सूचना दे करके उससे कब्जा प्राप्त करके अपने अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है तीसरा तरीका यह है कि यदि वाहक के पास माल है तो उस वाहक को सीधे तौर पर सूचना या जिसके अधीन वह काम करने वाला अर्थात उसके मालिक को इस प्रकार की सूचना दे करके रास्ते में अपने माल को रोके रखने का अधिकार प्रयोग किया जा सकता है लेकिन यह एक सावधानी बरती जानी चाहिए कि जब भी वाहक के मालिक को ऐसी सूचना देनी हो तो सूचना देने में इतनी तत्परता और समय का पालन होना चाहिए कि मालिक युक्त युक्त तरीके से अपने वाहक को यह सूचना दे सके जिससे क्रेता के होने वाले परिदान को रोका जा सके और इस प्रकार रास्ते में माल के रोके रखने के अधिकार का प्रयोग एक असंदत्त विक्रेता द्वारा किया जा सकता है लेकिन यहाँ एक तथ्य यह भी है कि जैसे ही वह अपने माल के प्रयोग यानी अभिधारण में रास्ते में रोके रखने के अधिकार को प्रयोग करता है तब ऐसी स्थिति में वाहक द्वारा उस माल को कहां ले जाया जाएगा इसके लिए उस विक्रेता को निर्देश देना पड़ेगा और ऐसे में यदि कोई खर्चा उत्पन्न होता है तो उस व्यय या खर्चे को उस असंदत्त विक्रेता द्वारा ही वहन किया जाना चाहिए एक अधिकार यहां उस वाहक का भी है जो भाड़े पर ले जाने के लिए उस माल को अपने कब्जे में रखता है यानी प्रत्येक प्रकार के वाहक को अपना भाड़ा वसूलने का अधिकार धाड़ा अधिकार के रूप में माल पर प्राप्त होता है यानी वो चाहे क्रेता के लिए हो या विक्रेता के लिए हो दोनों के ही संदर्भ में उस बाल वाहक को यह अधिकार है कि उस माल पर तब तक अपना कब्जा बनाए रखे जब तक कि उसको उसके भाड़े का भुगतान नहीं हो जाता और प्रत्येक व्यक्ति यानी चाहे वो क्रेता हो या विक्रेता हो उनका कर्तव्य होता है कि वह वा उस वाहक को बताएं या निर्देश दें कि उस भाड़ वाहक को उस माल का क्या करना है इस प्रकार इस अधिनियम में हमने देखा कि जो दूसरा अधिकार था रास्ते में माल के रोके रखने का अधिकार वह कब प्रारंभ होता है कब समाप्त होता है और उसका प्रयोग एक असंदत्त विक्रेता द्वारा कब किया जाता है इस संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है जब हम उस परिस्थिति की कल्पना करते हैं जब एक क्रेता द्वारा माल को किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रख दिया जाए उसका अनुविक्रय कर दिया जाए तब उस माल के संदर्भ में क्या परिणाम होगा यानी कि एक असंगत विक्रेता का जो धारणाधिकार है क्या वह प्रभावित हो जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका स्वामित्व रखने वाले क्रेता ने माल को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है या उसे गिरवी पर रख दिया है धारा तिरपन के अंतर्गत दिए गए प्रावधान के तहत इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए कि माल कोई विक्रय या अन्य वजन जो करता हो असंगत विक्रेता या धारणा अधिकार या अभिवहन में रोकने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा जब तक कि विक्रेता ने उसके लिए अनुमति नहीं दी हो अर्थात मात्र इस तथ्य से कि असंदत्त विक्रेता के अधिकार चाहे वो धारणा अधिकार हो चाहे उसके रास्ते में माल के रोके रखने का अधिकार हो कोई भी क्रेता निवारित या प्रभावित नहीं कर सकता क्योंकि यह उसकी सुरक्षा के लिए दिए गए अधिकारों में से एक है और इस कारण से कि क्रेता के पास उस माल का स्वामित्व है इसलिए उसे किसी और को उसने बेच दिया या गिरवी रख दिया उससे असंदत्त विक्रेता के इन दोनों अधिकारों पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है अर्थात असंदत्त विक्रेता के धारणाधिकार और माल में रोके रखने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि माल आगे किसी अन्य को बेच दिया गया है धारा तिरपन इसी सिद्धांत को बताती है साथ ही साथ इनके कुछ अपवादों को भी इंगित करती है मोरडंट ब्रदर बनाम ब्रिटिश आयल एंड केक मिल के मामले में एक तेल के व्यापारी ने कुछ तेल बी को बेचा और बी द्वारा उसका भुगतान ए को नहीं किया गया लेकिन बी ने वह तेल आगे सी को बेच दिया और अभी उस माल को अलग नहीं किया जा सकता था अर्थात बी ने कुछ तेल सी को बेच दिया माल प्राप्त करने का आदेश पत्र भी जारी कर दिया अब सी वह आदेश पत्र लेकर के ए जो प्रारंभिक व्यापारी था जो असंदत्त विक्रेता बी के संदर्भ में है जब उसके पास जाता है तो व्यापारी द्वारा उस माल को देने से इंकार कर दिया जाता है क्योंकि उसका कथन था कि उसने माल पर अपना धारणाधिकार बनाया हुआ है ऐसे में सी का यह कथन कि उसने बी को माल प्राप्त करने के लिए भुगतान कर दिया है और उसके पास आदेश पत्र भी है धारा तिरपन के प्रावधान यह इंगित करते हैं कि चूंकि असंदत्त विक्रेता के रूप में व्यापारी है इसलिए उसके अधिकार को इस बात से प्रभावित नहीं किया जा सकता कि अगले व्यापारी या क्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति को उसे बेच दिया है और इस विक्रय को वह प्रभावित नहीं करेगा लेकिन इस अधिनियम की धारा तिरपन में प्रभावित ना होने वाले अधिकारों के संदर्भ में दो अपवादों को भी बताया गया है अर्थात यदि असंदत विक्रेता अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहता है तो इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि क्रेता ने माल आगे किसी को बेच दिया है या उसको गिरवी कर दिया है लेकिन एक ऐसी परिस्थिति जो उस अपवादिक दशा को बताती है कि वह जो बाद की चाहे वो गिरवी करने की या पुनर्विक या किसी के द्वारा विक्रय करने का जो दूसरे व्यापारी का लाभ था वह प्रभावित हो सकता है जबकि ऐसा विक्रय विक्रेता की अनुमति से किया गया हो यानी जब क्रेता विक्रेता से सहमति लेने के बाद माल आगे बेचता है या किसी के पास गिरवी रखता है तो विक्रय विक्रेता पर बाध्य हो जाता है मोरडंट ब्रदर बनाम ब्रिटिश आयल के इस वाद में माल आगे नहीं बेचा जा सका या बेचने के बाद भी प्रभावित नहीं कर सका क्योंकि ऐसा करने के लिए विक्रेता से उसकी सहमति नहीं ली गई थी दूसरी तरफ यदि हक के दस्तावेज का परिदान हो अर्थात जहाँ विक्रेता ने क्रेता को माल और उसके हक के दस्तावेज दे दिए हैं और क्रेता ने हक का दस्तावेज अंतरण के द्वारा गिरवी रख दिया है तो विक्रय की दशा में विक्रय का धारणाधिकार या माल को रास्ते में रोकने का अधिकार समाप्त हो जाता है अर्थात यदि माल का कब्जा विक्रेता के पास है जो एक असंदत्त विक्रेता के रूप में कार्य कर रहा है ऐसे में उसके पास अपने अधिकार का प्रयोग करने का पूरा अधिकार है इस बात से कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ना चाहिए कि क्रेता द्वारा आगे उस माल को बेचा जाना है लेकिन अपवादिक परिस्थिति में यदि उसके हक के जो अंतरण के दस्तावेज हैं यदि उसे क्रेता को या उसके किसी अभिकर्ता को विक्रेता ने स्वयं दिया हो या उसकी अनुमति से क्रेता ने प्राप्त कर लिया हो और ऐसे में क्रेता द्वारा कोई विक्रय किया जाता है जो सद्भाव पूर्वक मूल्य देकर के उसे खरीदता है तब ऐसे में विधि उस क्रेता जो सद्भाविक क्रेता के रूप में है जिसने कीमत पर माल को प्राप्त किया है उसके भी अधिकारों को सुनिश्चित करेगा और इस अपवाधिक परिस्थितियों में वह क्रेता को दिया गया माल प्रभावी हो जाता है इस प्रकार इस अधिनियम में जो तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार है वह है माल को पुनः बेचने का अधिकार अधिकार या रास्ते में माल के प्रयोग मात्र से विक्रय की संविदा का खंडन नहीं होता है लेकिन यदि माल विनेश्वर प्रकृत का है जहां की माल असंदत्त विक्रेता को जिसने अपने धारणाधिकार में यान में रोकने का प्रयोग किया है पुनर्विक्रय करने के अपने आशय की सूचना वह अगर क्रेता को दे देता है और उस सीमा या उस समय के अंदर पुनर्विक्रय करने का करार करता है तो संविदा भंग से कारित हानि के लिए मूल विक्रेता से नुकसानी वसूली जा सकती है अर्थात अगर धारा चौवन को हम देखें जो हम तृतीय अधिकार की चर्चा कर रहे हैं कि किसी माल को असंदत्त विक्रेता द्वारा पुनर्विक्रय करने के अधिकार को तो उसके लिए दो तीन परिस्थितियां हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी पहला यदि माल ऐसी प्रकृति का है कि माल सड़ सकता है या खराब हो सकता है तब तो विक्रेता द्वारा उस क्रेता को बिना सूचना दिए माल का पुनर्विक्रय किया जा सकता है लेकिन यदि विक्रय मूल्य संविदा मूल्य से कम होता है अर्थात विक्रेता को पुनर्विक्रय करने पर कुछ हानि होती है तो वह मूल क्रेता से हानि प्राप्त करने के लिए उस धनराशि तक वाद दाखिल कर सकता है और पुनर्विक्रय से यदि कोई लाभ होता है तो मूल क्रेता को ना देकर के वह स्वयं रख सकता है अर्थात माल के पुनर्विक्रय करने की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व तो है उस माल की परिस्थिति को देखना कि क्या माल ऐसी प्रकृति का है कि इसमें विलम्ब किया जा सकता है या इसे तुरंत बेचना आवश्यक है इस प्रकार यदि माल की सड़ने की प्रवृत्ति या खराब होने की प्रवृत्ति है तो यह विधि अपेक्षा करती है कि बिना किसी सूचना के पुनर्विक्रय किया जा सके और यदि उसमें वाद में हुई जो क्रय की करार है या पुराने करार में कोई संविदा के बीच में कीमत का अंतर है तो उसे कीमत की वसूली करने का भी अधिकार दिया जाता है लेकिन यदि माल की प्रकृति ऐसे नहीं है कि वह तुरंत खराब हो जाए तब ऐसे में असंदत विक्रेता के जो माल के पुनर्विक्रय करने की जो करार या उसके करने का जो अधिकार है उसकी सूचना करार किए गए क्रेता को देनी होगी और क्रेता को दिए गए सूचना के उपरांत यदि युक्त युक्ति समय में माल की कीमत का भुगतान क्रेता द्वारा विक्रेता को नहीं किया जा सकता है तभी कहीं इस पुनर्विक्रय के अधिकार का प्रयोग होना चाहिए और यदि माल के खराब या माल के पुनर्विक्रय की सूचना देने के बाद भी युक्तियुक्ति -युक्ति समय में उसका भुगतान नहीं किया जाता है तो पुनर्विक्रय से हानि होने की दशा में प्रथम क्रेता प्रतिकर प्राप्त कर सकता है और यदि कुछ लाभ होता है तो लाभ अपने पास रख सकता है अर्थात यदि असंदत विक्रेता उचित सूचना दिए बिना माल का विक्रय कर देता है तो वह क्रेता के प्रति संविदा भंग का वाद नहीं ला पाएगा इस प्रकार विक्रेता चाहे तो विक्रय की संविधा में ही भुगतान न होने पर माल को बेचने की सूचना का अधिकार आरक्षित कर सकता है और ऐसी स्थिति में जो दोषी क्रेता है उसे पुनः विक्रय की सूचना देना आवश्यक नहीं है इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने देखा कि किस प्रकार एक असंदत्त विक्रेता अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए माल को रास्ते में अभिवहन में रोकने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है अथवा माल को पुनर्विक्रय के अधिकार का प्रयोग कर सकता है वास्तव में यह दोनों अधिकार धारणा अधिकार के ही विस्तार हैं जहां एक बार माल विक्रेता के कब्जे से निकल जाता है लेकिन अभी क्रेता तक नहीं पहुंचता है और दिवालिया होने के भान पर वह अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है और दोबारा कब्जा मिलने के बाद उस माल का वह क्या करे जबकि उसकी कीमत का भुगतान नहीं हो तो उसी अवस्था को आगे समझते हुए विधायन ने पुनर्विक्रय के अधिकार की संरक्षा की है इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने देखा कि किस प्रकार एक असंदत्त विक्रेता द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए जो माल के संव्यवहार में किसी असंदत्त विक्रेता की संरक्षा के लिए आवश्यक है धन्यवाद